पुलिस हूँ, फिट बन के रहूंगा। इंस्पेक्टर पांडा का घर, वाह वाह, आज के खुराफात का बंदोबस्त हो गया। आज के लिए बहुत हुआ, अब जाना पड़ेगा ऑफिस। पुलिस की वर्दी। अब इंस्पेक्टर सांडा शहर में बचाएगा खुराफात। भागो। रोको, रोको। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। मेरी वर्दी और मेरी जीप लेकर कहाँ भाग रहा है? अरे रोको। जी कहिए सर। शेठ फकीरचंद का फोन आया था कि उनका हीरा गायब है। तुम्हारी शॉप के सारे हीरे, मतलब सारे हीरे मेरे बैग में भर दो। हम चेक करेंगे कि इनमें सेठ फकीरचंद का हीरा है या नहीं। पर हीरा उनके कुत्ते का नाम है जो गायब हो गया। कौन कुत्ता है कौन हीरा, ये काम मतलब पुलिस पर छोड़ दो। तुम हीरे बैग में डालो। जल्दी। वर्दी ने किया सांडा के लिए कमाल, आया बड़ा धमाल। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोको, अब मुझे से लाचार पुलिस वाले को सिर्फ हनी बनी ही बचा सकते हैं। स्केटबोर्ड को पैरों पे डाला जाता है, सर पे नहीं। स्केच से मैं बोर हो गया हूँ, कुछ एडवेंचरस करता हूँ। हाँ, चेस खेल लेता हूँ। इसमें क्या एडवेंचरस है? असली हाथी और घोड़ों के साथ खेलूंगा ना। बनी, बनी। पांडा साहब। इंस्पेक्टर पांडा, आपकी वर्दी कहाँ गई? इंस्पेक्टर पांडा रोइए मत, क्या हुआ बताइए। मेरा घर। क्या हुआ आपके घर को, आगे बोलिए। वहाँ से मेरी वर्दी और जीप की चाबी सांड चुरा ले गया। ये रहा उसका फोटो। ये तो गलत है। मुझे पता चला कि वो पूरे शहर में खुराफात कर रहा है। उसने भेड़ों को जेल में डाल दिया, कहता है ऊंट की तस्करी कर रहे हैं। मेरी वर्दी का इस्तेमाल करके पूरे शहर में खुराफात मचा रहा है। तुम लोग उसे पकड़ने में मेरी मदद करो प्लीज। आप घबराइए मत पांडा साहब, हम है ना। आओ मिलकर उस सांड की खबर लेते हैं। अरे हम रिपोर्टर थोड़ी ना हैं, खबर कैसे लेंगे, कुछ भी बोलता है तू। अरे पांडा साहब आप टेंशन मत लीजिए। हाँ पांडा साहब, चलो दोस्तों और देर नहीं करनी चाहिए। ओ, चलो। मैडम ने सुपर कार खरीद ली और हमें बताया भी नहीं। नहीं, ऐसे इंस्पेक्टर सैंडा ने किया है। उन्होंने मेरी कार रुकवाई और मुझसे कहा कि देखिए आज धूप नहीं है, फिर भी आप कार पर छत लगाकर घूम रही हैं। यह गैर कानूनी है। और उसके बाद वो मेरी कार की छत ले गए। हाँ बात तो सही कही उसने। एक बुद्धू को दूसरा बुद्धू समझदार ही लगता है। जो काम के समय हमेशा साथ रखो हैंकी
मंकी, मैंने इंस्पेक्टर सांडा को चाबी दे दी थी बैंक की, वो बोला ठोकने को ताली, तुम्हारे बैंक में नोट है जाली, चेकिंग होने वाली, मैंने चाबी दे डाली, सारा कैश ले गया वो सांडा, अब आप कुछ करो इंस्पेक्टर पांडा। इस सांडा को जल्दी पकड़ना होगा, बहुत हो गया, वो इस तरह वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। पांडा साहब, आप हमें उसे ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं ना? हाँ। बच्चों जल्दी जाओ, मेरी गाड़ी ले जाओ और उस सांडा को जल्दी से पकड़ो। हाँ। हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे, चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, वेलकम, क्या चाहिए आपको? तुम्हारी दुकान में एक भी मक्खी नहीं है, इसका मतलब मतलब बीठी नहीं है, सारी मिठाई मेरी जीप पे रखवाओ जल्दी। अरे क्या चाहिए साहब? तुम्हारे पास एक भी नीले रंग का फ्रूट नहीं है? नहीं। वेरी बैड, नीले रंग के साथ ऐसी नाइंसाफी, वेरी बैड। सॉरी साहब। सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, सारे फ्रूट्स गाड़ी में रख दो, जल्दी जल्दी जल्दी। नीले रंग की वजह से मेरा जीवन बेरंग हो गया है। अरे ये आदमी परेशान लग रहा है, शायद इसे उस सांडा ने ही परेशान किया होगा। क्या हुआ? एक पुलिस ने मेरे सारे फल ले लिए और वो भी फ्री में। वो पुलिस नहीं, चोर है, यही था ना वो? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे सारे फ्रूट्स वापस ले आएंगे। ईश, वो रहा चोर, पकड़ो उसे। ओ, ये तो वही पांडा है जिसकी वर्दी मेरे, इससे पहले कि ये वर्दी उतरवाए बेदर्दी से, मैं निकल लेता हूँ जल्दी से। मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम, थैंक यू। ये आइसक्रीम खाएंगे, मजे उड़ाएंगे। मजे तो अब मैं उड़ाऊंगा। अरे यार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बनी, संभाल कर। सब रास्ते से हट जाओ। मुझे बचाओ। डाल लो कान में उंगली, में गाना गा रहा हूँ, चोर कोई और है और मार मैं खा रहा हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अरे फिसल गया। ये तूने क्या किया? फ्यूल खत्म हो रहा है, अब उसके लिए भी करनी होगी। इस पेट्रोल के पाइप को मेरे हवाले कर दो वरना। रुक जाइए साहब। बलम पिचकारी जो मैंने ऐसी मारी, तो सारे लोग फिसल कर बर्बाद हो गए। पंप पे आ जाइए। सब रुक जाइए, क्या चाहिए आपको? ये तुम पेट्रोल के नाम पे पानी बेच रहे हो? नहीं साहब, ये पेट्रोल ही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरी गाड़ी की टैंक फुल कर दो, अगर गाड़ी चली तो पेट्रोल असली है वरना। ओके ओके सर। ये लोग तो यहाँ भी पहुँच गए, देखो वो वहाँ है। लगता है सांडा को सारी मुल्कों की पुलिस मिलकर भी नहीं पकड़ सकती। नहीं बड़े भाई, हम पकड़ेंगे उसे। अब देखता हूँ कैसे पकड़ते हो मुझे। वहां गया सांडा, पकड़ो उसे। सलाम।
राम साहब। जो भी गाड़ी इधर से निकले उसको रोककर आधे घंटे तक तलाशी लेना, समझे? यस सर। अरे रुको, तलाशी दो। पुलिस मैं हूँ, वो जो गया वो चोर है, मेरे कपड़े और जीप का चोर, जाने दो, जाने दो हमें। सलाम साहब। पांडा साहब, ये अच्छा हुआ कि आपके पास आपका आईडी था। हाँ, वरना इसे कपड़ों में तो हम भी नहीं मानते कि आप पुलिस हैं। बनी, सामने संभालो। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के आगे अंधेरा हो गया है। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो अंधेरा कैसे दिखाई दे रहा है? बनी की आंखों से निकालो ड्रम, वरना आएगा हमारी लाइफ में बहुत सारा गम। ठोको ताली। वो रहा सांडा। अब तू नहीं बच पाएगा फेक इंस्पेक्टर सांडा। पकड़ो उसे। सांडा रुक जा, तुझे क्या लगा तू हमारे इंस्पेक्टर पांडा की वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा? पुलिस का नाम खराब करेगा। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। माफी मांग, मैं कहता हूँ माफी मांग इंस्पेक्टर पांडा से। कितना ढीठ है, अभी भी माफी नहीं मांग रहा है। अरे नाक से माफी मांगेगा क्या, मुंह तो छोड़ उसका। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे मतलब माफ कर दो। संडे के बाद ट्यूसडे नहीं मंडे आएगा, अब तू जेल में तेल लगे हुए डंडे खाएगा। तो बता ली।